ये मोड खासकर पार्किंग वगैरह के लिए होता है, अगर लेडीज़ वगैरह जो होती हैं तो उनके लिए है भाई। यहाँ पर मैं आप अगर इसको लगा देते हैं तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो वहाँ पर आपको जो है केवल 11 की मिलती है। तो एक्सेलरेट दे पावर मोड में आ गई और यहाँ पर मैं आपको करीब ये भाई 94 की टॉप स्पीड भाई दिखा रहा है, ठीक है। और आपको अगर इसको फाइनेंस वगैरह कराना है तो मिनिमम डाउन पेमेंट यहाँ पर आप जो है 45,000 रुपये दे करके इसको अपने घर ले जा सकते हैं। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मेरे हाथ में आप जो चाबी देख रहे हो भाई, ये है एक बहुत ही प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर की चाबी जिसका नाम है भाई TVS इलेक्ट्रिक iQube। यहाँ पर मैं आपको मार्केट में अब ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, वो क्यों इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं और बात करेंगे भाई यहाँ पर आपको क्या कुछ प्राइसिंग मिल जाती है, कौन कौन से वेरिएंट आते हैं, रेंज वगैरह क्या है, चार्जिंग टाइम वगैरह क्या है, हर एक चीज़ के बारे में इसकी बात करेंगे। सबसे पहले भाई इसकी एक्सशोरूम प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो एक्सशोरूम प्राइस है वो अब आपको कॉस्ट करने वाली है यहाँ पर 1,40,000 रुपये। तो 1,40,000 में यहाँ पर आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं उस चीज़ की बात करते हैं और क्या बनाता है भाई TVS इलेक्ट्रिक iQube को सारे स्कूटर से अलग, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले भाई आप इसका फ्रंट लुक देखो। वैसे तो मार्केट में आपको बहुत सारी ईवी स्कूटर्स मिल जाती हैं लेकिन भाई उनका जो फ्रंट प्रोफाइल है वो इतनी अजीबो गरीब बना दी है कि देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन भाई TVS वालों ने यहाँ पर जैसे पहले पेट्रोल वाली बाइक्स आती थी वैसा ही लुक इसमें आपको दिया गया है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्लैक ग्लॉसी फिनिशिंग मिल जाती है इसके वाइजर पे और साइड में देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको एक्स स्मार्ट कनेक्ट का फीचर मिल जाता है, मतलब कि आप अपना मोबाइल जो है इस स्कूटर से कनेक्ट करके सारी SMS कॉल अलर्ट्स वगैरह जो भी हैं वो सब देख सकते हैं इसकी स्क्रीन पे। बहुत ही कमाल के फीचर्स अब आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको DRL दिया गया भाई, स्मोकी टाइप का दिया गया और देखने में भाई इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है भाई, कंपेयर टू अदर EV स्कूटर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैं आपको ग्लॉसी फिनिशिंग मिल जाती है, मिरर्स वगैरह भी आपको क्यूब टाइप के डिज़ाइन में दिए गए हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं आप भी अपना ओपिनियन कमेंट में बताते रहें गाइस। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको जो है TVS का कुछ तरीके से रेसिंग का लोगो मिल जाता है, ये यहाँ पर आपको पार्ट ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में मिलता है भाई। डुअल टोन यहाँ पर आपको इसके फ्रंट प्रोफाइल मिल जाती है, एसेसरीज वगैरह यहाँ पर आपको लगी हुई मिले हैं तो यहाँ पर मैं आपको कोई भी स्पेस क्रच वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर ये चीज़ लगवा लेते हैं यहाँ पर देखेंगे तो क्यूब का ही कुछ तरीके से लोगो मिल जाता है। फुल LED हेडलाइट का सेटअप दिया गया है और इसका थ्रो नाइट में काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ये साइड में आपको लो बीम एंड सेंटर में आपको हाई बीम मिल जाती है। बॉडी इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं भाई, जला के भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जलने पे कुछ इस तरीके का व्यू आता है भाई इसमें। ये वाला पार्ट यहाँ पर आपको उसका मड गार्ड फाइबर बॉडी का दिया गया है और इस पर यहाँ पर आपको कुछ तरीके की भाई एसेसरीज ये मिल जाती हैं, इसको आप लगवा सकते हैं अलग से। यहाँ पर मैं आपको इसके फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाती है जिसपे आपको 220mm की कुछ तरीके की डिस्प्ले मिलती है भाई। नॉर्मल सा एवरेज कैलिपर दिया गया है तो ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पर आपको ठीक ठाक मिल जाता है, दो पिस्टन इसमें मिल जाते हैं। पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर मैं मड गार्ड दिया गया है भाई जिससे मिट्टी वगैरह इसके अंदर नहीं लगेगी। यहाँ पर मैं इसके व्हील की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको डायमंड कट अलॉय व्हील दिए गए हैं भाई, देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं जो कि इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर रहे हैं भाई। यहाँ पर मैं आपको ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफर कर रही है भाई 1,42,000 रुपये में। रेडियल टायर्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, यहाँ पर इसकी प्रोफाइल आपको 12 इंचेस मिल जाती है। और सस्पेंशन वगैरह की बात करें तो इसके फ्रंट में यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं और भाई ये सिटी राइड के लिए बनाई गई है तो यहाँ पर मैं आपको काफ़ी कंफर्ट मिलने वाला है। आप अगर इसको रोड पे चलाएंगे गड्ढे वगैरह में कुदाने लायक है नहीं ये गाड़ी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारे पार्ट्स जो इसके हैं वो फाइबर बॉडी के ही दिए गए हैं और नीचे का जो इसका ये पार्ट है ये वाला भाई, ये वाला पार्ट भी यहाँ पर फाइबर बॉडी का दिया गया है भाई। जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पर आपको जो है मिल जाती है 165mm की, तो भाई इसको सिटी में ही चलाना हो सके तो गड्ढे वगैरह में ना ले जाना। यहाँ पर मैं आपको जो फुटरेस्ट दिया गया भाई वो काफ़ी प्रीमियम सा दिया गया कुछ इस तरीके का भाई, इस पर यहाँ पर आप उसको मोड़ सकते हैं और खुल जाएगा ये भाई। यहाँ पर आपको फुटरेस्ट एरिया मिल जाता है जिसपे आपको एक मैट भी दी गई है भाई, तो आप लगवा सकते हैं। ये आई थिंक एसेसरीज के साथ में लगी हुई है। इधर की तरफ आएंगे यहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके से हुक मिल जाता है और ये भाई ऐसे खुलता है शायद, हाँ ये ऐसे खुल जाता है, ऐसे लॉक हो जाता है। इधर की तरफ यहाँ पर भी आपको एक हुक दिया गया है, कोई भी यहाँ पर आपको पॉकेट वगैरह नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको की पॉइंट मिल जाता है जिसमें आपको लॉक अनलॉक ऑन ऑफ ऑन का बटन मिल जाता है। यहाँ पर भी मिल जाता है भाई एक चार्जिंग पॉइंट, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं चार्ज, ठीक है। आते हैं भाई इसकी सीट की तरफ, तो यहाँ पर मैं आपको 775mm की सीट हाइट के साथ में सिंगल स्टेप सीट दी गई है और देखने में भाई ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है और कंफर्टेबल भी है भाई, कुछ नहीं वगैरह काफ़ी अच्छी है। तो आप यहाँ पर अगर जो है 5 के हैं या फिर 5 से कम है थोड़े बहुत तो भी इसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। पिलियन के लिए यहाँ पर मैं आपको जो है बैक रेस्ट मिल जाता है कुछ इस तरीके का भाई, यहाँ पर भी फॉर्म लगाया गया है। यहाँ पर मैं आपको ग्रिप मिल जाती है पकड़ने के लिए और ब्लैक ग्लॉसी फिनिशिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। साइड पैनल्स ये भी यहाँ पर आपको फाइबर बॉडी के दिए गए हैं और यहाँ पर मैं आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का भाई आपको स्टीकर मिल जाता है। डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छी है iQube इलेक्ट्रिक का कुछ तरीके से यहाँ पर हमें आपको मिल जाता है स्टीकर। पीछे की तरफ आते हैं भाई, यहाँ पर मैं इसकी बैक प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके की मिलती है।
यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन फाइबर टच का यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिल जाएगा, iQube का यहाँ पर आपको स्टिकर मिल जाएगा, और नीचे यहाँ पर मैं आपको जो है क्यू पार्क असिस्ट का लोगो मिल जाएगा। ये वाला पार्ट यहाँ पर आपको फाइबर बॉडी का दिया गया है, और इसकी जो बैक प्रोफाइल है यहाँ पर मैं आपको जो है इसकी जो बैक टेलाइट है वो आपको बॉडी इंटीग्रेटेड मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको LED का फुल सेटअप दिया गया है दोनों साइड में यहाँ पर, और जला के भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड। ये भाई जलने पे कुछ इस तरीके का यहाँ पर लुक आने वाला है। यहाँ पर मैं आपको TVS का स्टिकर मिल जाता है भाई, यहाँ पर जो है नंबर प्लेट रहेगी, नीचे एक लाइट दी गई है ताकि रात में भी आपका चलान कट सके। साइड में आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको मिल जाता है भाई रिफ्लेक्टर, और यहाँ पर भी एक रिफ्लेक्टर दिया गया है। टेल लाइट यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की भाई इसमें मिलने वाली है। तो भाई मोटर की तो यहाँ पर मैं आपको जो है हब मोटर मिल जाती है जो कि भाई इसके टायर में ही आपको मिलती है, और इसमें यहाँ पर आपको 33 NM का टॉर्क मिल जाता है भाई। और बैटरी की बात करें तो वो यहाँ पर आपको इसके नीचे मिलेगी, और यहाँ पर मैं आपको 3.5 kW की बैटरी इस वाले वेरियंट में आपको देखने को मिल जाएगी भाई। वैसे तो यहाँ पर आपको 5 वेरियंट मिल जाते हैं भाई, एक है 2.2 kW, एक है 3.1 kW, एक है 3.5 kW जो कि ये है, ठीक है, और एक है 3.5 kW का, और एक है 5.3 kW का। और यहाँ पर आपको सबकी अलग अलग रेंज देखने को मिल जाती है, जैसे 2.2 में आपको केवल 94 की मिलेगी, और आपको 3.1 में 121 की मिलेगी, और इस वाले वेरिएंट में जो कि 3.5 वाला है यहाँ पर मैं आपको 145 मिलेगी, और जो इसका सबसे टॉप वेरिएंट है वहाँ पर मैं आपको सबसे ज़्यादा रेंज मिलती है जो कि आपको मिलती है 212 किलोमीटर की। बात करें भाई इसके चार्जिंग टाइम की भी, तो ये यहाँ पर आपको जो है 4.5 घंटे लगेंगे 80% होने में, और 5.5 घंटे लगेंगे 100% होने में। टॉप स्पीड इसकी यहाँ पर आपको मिल जाती है 78 किलोमीटर पर आवर की, और यहाँ पर मैं आपको 145 की सर्टिफाइड रेंज मिल जाती है, लेकिन भाई ये 100 तक आराम से चल जाएगी। 3.5 kW वाले वेरिएंट का चार्जिंग टाइम यहाँ पर आपको मिल जाता है 4.5 घंटे में ये 80% हो जाती है, और 5.5 घंटे में ये 100% हो जाती है भाई। इसकी राइड प्रोफाइल यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको TVS इलेक्ट्रिक का भाई कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक यहाँ पर आपको ये लाइट मिल जाती है, बाकी ये यहाँ पर आपको बैजिंग दी गई है भाई, ये फाइबर बॉडी का यहाँ पर आपको इसमें दिया गया है। इसके रियर सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको 3 ट्यूब हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं भाई, फुल ब्लैक फिनिशिंग के साथ में दिए गए हैं, और ये 5 स्टेप एडजस्टेबल हैं, तो अपनी स्टिफनेस के अनुसार आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं भाई। यहाँ पर मैं आपको लेडीज़ फुटरेस्ट भी मिल जाता है भाई, लेडीज़ के कंफर्ट का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आपको कुछ तरह का भाई है एसेसरीज के साथ में आपको मिलेगा भाई कवर, तो ये भी आप लगवा सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है एक की पॉइंट, यहाँ पर लगाते हैं चाबी भाई, और इसकी डिग्गी को करते हैं भाई हम ओपन। यहाँ पर मैं आपको इस तरफ घुमाना है तो इसकी सीट जाएगी खुल। यहाँ पर मैं आपको जो है 32 लीटर का भाई स्पेस मिल जाता है इसके अंडर की तरफ। यहाँ पर मैं आपको चार्जर दिया गया भाई, कुछ इस तरीके की डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिल जाती है भाई, इसको ऐसे पकड़ सकते हैं हम, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर आपको इसके अंदर मिल जाती है भाई। यहाँ पर आपको एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है भाई, आप चार्ज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी लाइट वगैरह देखने को नहीं मिलती है, तो यहाँ पर मैं आप इसको आराम से रख सकते हैं, बाकी और जो भी सामान वगैरह हो तो आप यहाँ पर आराम से रख सकते हैं। यहाँ पर आप जो अपने कागज़ वगैरह जो भी रखना हो वो आराम से रख सकते हैं। चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का भाई इसका मिलेगा, और ये यहाँ पर लगाना है आपको, यहाँ से ये चार्ज होगा। इसको करते हैं बंद, और इसको बंद करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, सो बस कस के दबाना है, ये हो जाती है बंद। यहाँ पर भी आपको कुछ तरह के भाई स्टिकर मिल जाते हैं, इधर भी यहाँ पर आपको फिंस टाइप के डिज़ाइन मिल जाते हैं भाई। मैट वगैरह यहाँ पर आपको इसके ऊपर में मिल जाती है, तो आप चाहें तो भाई सिलेंडर वगैरह ला सकते हैं, इस पर आ जाएगा, लेकिन भाई स्ट्रेच वगैरह भी यहाँ पर पड़ सकते हैं। सब कुछ मैट फिनिशिंग दी गई है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको साइड स्टैंड मिल जाएगी भाई कुछ इस तरीके की, और यहाँ पर मैं आपको सेंसर भी इस पर दिया गया है, मतलब कि आपकी स्टैंड जब तक लगी होगी तब तक आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है। यहाँ पर आपको डबल स्टैंड मिल जाती है, और आई थिंक ये भी आपको एसेसरीज़ के साथ में ही लगवानी पड़ेगी। बात करते हैं भाई अब इसके मीटर कंसोल की, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इस तरीके का भाई इसका मीटर मिलेगा दी गई है भाई। चाबी से करेंगे इसको ऑन, आपको बिना चाबी वाले भी इसमें वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे भाई। ऑन होने पर कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सारी इंडिकेशन लाइट्स आपको यहाँ पर चारों तरफ इसमें देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेशन लाइट, यहाँ पर आप देखेंगे बैटरी वोल्टेज, पार्किंग मोड, और यहाँ पर साइड स्टैंड का, यहाँ पर लो बीम हाई बीम, यहाँ पर आपको वार्निंग की लाइट मिल जाती है भाई। और ऑन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा, डिस्टेंस टू एमपीटी मीटर यहाँ पर मैं आपको देखने को मिलेगा, 106 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर अभी इसमें है दिखा रहा है, 92% बैटरी है। यहाँ पर मैं आपको जो है इंडिकेशन दिखा रहा है कैसे भाई इसको करना है स्टार्ट, ब्रेक प्लस मोड स्विच को दबाना है, ये ब्रेक है ये मोड स्विच है। यहाँ पर मैं आपको मोड स्विच मिल जाता है, इसको मैं दबाऊँगा, इसको दबा के रखना है थोड़ी देर, तो ये हो जाती है ऑन, हो नहीं रही भाई, ये हो गई भाई, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दो मोड्स मिल जाते हैं भाई, पहला है पावर, दूसरा है इको, यहीं से आप कर सकते हैं चेंज। इको की अगर मैं पावर दिखाऊं भाई तो यहाँ पर मैं आपको जो है करीब 55 की टॉप स्पीड इसमें देखने को मिल जाती है, ठीक है भाई। और इसका मैं मोड चेंज करूँ तो ये पावर मोड में आ गई, और यहाँ पर मैं आपको करीब ये भाई 94 की टॉप स्पीड भाई दिखा रहा है, ठीक है। और रेंज वगैरह यहाँ पर आप देखेंगे तो कम हो जाती है, यहाँ पर मैं आपको 106 दिखा रहा है, और इसमें ये दिखा रहा है 69,
ये कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं आपको जो है रीजनरेशन का सिस्टम मिल जाता है, यहाँ पर ऑडोमीटर दिया गया है, ट्रिपे मिल जाता है, एवरेज स्पीड मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं आप SMS कॉलर वगैरह जो भी हैं वो चीज़ देख सकते हैं, डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको जो है बैटरी का जो है इंडिकेशन मिल जाता है, 92% अभी इसमें बैटरी है। यहाँ पर मैं आपको TVS का लोगो मिल जाता है भाई। अब ये देखो भाई, यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक दे दिया गया भाई सेफ्टी वगैरह के लिए, तो ये चीज़ है। यहाँ पर मैं आपको काफ़ी प्रीमियम से स्विच दिए गए हैं, यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम का स्विच मिल जाता है, नीचे की तरफ आपको टर्न इंडिकेशन सिंगल लाउड हॉर्न मिल जाता है। इसमें यहाँ पर आपको हैजार्ड का फीचर भी दिया गया है, तो आप चारों इंडिकेटर्स एक साथ भी यहाँ पर जला सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ दिया गया भाई, इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये है पार्किंग मोड, इसको एक बार ही आप ऐसे दबा के रखेंगे प्रेस एंड होल्ड करके, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ देगा, यहाँ पर आपको इंटरफेस में दिख जाएगा। ये मोड खासकर पार्किंग वगैरह के लिए होता है, अगर लेडीज़ वगैरह जो होती हैं तो उनके लिए है भाई। यहाँ पर मैं अगर इसको लगा देते हैं तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो वहाँ पर आपको जो है केवल 11 की मिलती है, तो एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बाकी दोबारा से इसको दबाएंगे तो रिवर्स मोड आ जाता है, तो रिवर्स भी यहाँ पर आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3-4 की टॉप स्पीड इस पर देखने को मिलेगी, और इसको हटाना हो तो यहाँ पर आप उसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, ये पूरा हट जाएगा, पार्किंग मोड यहाँ पर आपका इसमें लग जाएगा। अब बात करते हैं भाई इसकी प्राइसिंग की, जो कि रहने वाली है भाई सबसे मेन। तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो यहाँ पर आपको पड़ती है 3.5 किलोवाट की, ये आपको पड़ेगी 1,39,438 रुपये। इस पर RTO आपका पड़ेगा केवल 450 रुपये, इंश्योरेंस आपका पड़ेगा 6,850 रुपये, हैंडलिंग फी यहाँ पर आपकी पड़ेगी 500 रुपये, एसेसरीज़ आप अगर लगवाते हैं जैसे कि भाई ये सब चीज़ें हैं तो इसका आपको देना पड़ेगा 2,519 रुपये। तो इसकी ऑन रोड प्राइस आपको पड़ जाती है 1,49,757 रुपये, ये दे करके आप इसको अपने घर ले जा सकते हैं। और भाई यहाँ पर मैं आपको इस पर सब्सिडी भी देखने को मिलेगी, 5,000 आपको सब्सिडी मिल जाती है। बाकी TVS रिटर्न भी यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेगा भाई, बहुत कम कंपनियों में देखने को मिलेगा, जैसे कि ओला वगैरह में है तो केवल आपको सब्सिडी मिलती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 2500 TVS रिटर्न भी दे रहा है। और आपको अगर इसको फाइनेंस वगैरह कराना है तो मिनिमम डाउन पेमेंट यहाँ पर आप जो है 45,000 रुपये दे करके इसको अपने घर ले जा सकते हैं। आप अगर 2 साल की EMI कराते हैं तो हर मंथ आपको देना पड़ेगा 4,882 रुपये, और 3 साल की अगर करवाते हैं तो यहाँ पर आपको हर महीने देना पड़ेगा 3430 रुपये। इसकी प्राइसिंग आपको अगर TVS का और कोई प्रोडक्ट चाहिए भाई, जैसे कि इसका बेस मॉडल है उसका भी चैनल पर रिव्यू पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर के उसकी सारी डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। बाकी आप अगर लखनऊ ठाकुरगंज के आसपास के हैं तो आप विजिट कर सकते हैं भाई TVS आराना मेगा कॉप, नीचे दिया गया नंबर, यहाँ पर आप कॉल करके सारी डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। आपको बुकिंग वगैरह करानी है तो वो भी आप करा सकते हैं। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर नए हैं भाई तो यहाँ तक आ चुके हैं सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड सेफ राइड गाइज।